अपनी जिंदगी में हम उसे हर पल महसूस करते हैं, मगर फिजिसिस्ट के लिए ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और मुश्किल पहेली है। आखिर ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ क्यों खींचती है? अब एक बिल्कुल नई थ्योरी इस सवाल के जवाब के काफी करीब पहुंच चुकी है। क्या ग्रेविटी इस रूप में कोई दूसरी फोर्स है? ये एक होलोग्राफिक रियलिटी का अक्स या चौंकाने वाली मिराज तो नहीं? क्या हम इंसानों में, धरती, सूरज और सितारों में वाकई एक भार है, या फिर ग्रेविटी एक भ्रम है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू विज्ञान शो। सूरज का ग्रेविटेशनल खिंचाव पृथ्वी को अंतरिक्ष में उड़ने से बचाए रखता है। पृथ्वी की ग्रेविटी हमें जमीन पर रोके रखती है। देखने में तो सारी बातें सही लगती हैं, मगर साइंटिस्ट अब ब्रह्मांड में और अंदर तक झांकने लगे हैं और उन्हें पता लग रहा है कि ग्रेविटी शायद वो नहीं है जो नजर आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखने में असली लगने वाली ये चीज असली है ही नहीं? हमारे बचपन लड़कपन के दौरान कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब हमारे पास कोई काम नहीं होता था, तब हम अक्सर कुछ ऐसे खेल खेलते थे जैसे कि पत्थरों से निशानेबाजी करना। ग्रेविटी हमेशा हमारा काम करती थी। मैं जो भी चीज गिराता था हमेशा उसके नीचे गिरने की उम्मीद करता था। फिजिसिस्ट तो ग्रेविटी से कुछ अलग ही उम्मीद रखते हैं। वो मानते हैं कि वो एक फंडामेंटल फोर्स है, ब्रह्मांड की मशीनरी का एक अहम पुर्जा है। मगर एक्सपेरिमेंटलिस्ट नर्जिस मवालवाला इस बात से इत्तफाक नहीं रखते। अगर ग्रेविटी सचमुच एक फंडामेंटल फोर्स है तो ब्रह्मांड में हम चाहे जहां भी देखें वहां मास वाली हर चीज को एक ही तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए। आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि मास वाली हर चीज उस चीज को अपनी ओर खींचती है जिसमें मास होता है। उनका मास जितना ज्यादा होगा वो एक दूसरे के उतनी ही करीब होती है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होता है। करीब 200 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम उस फैब्रिक में आपस में जुड़े होते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन मानते थे कि स्पेस टाइम मुड़ सकता है और उससे होने वाला डिस्टॉर्शन ही ग्रेविटी है। मास वाली जो चीजें एक दूसरे की ओर खींचती हैं, वो असल में स्पेस टाइम के उसी आर्क पर चलती हैं। अब तो आइंस्टाइन के मुताबिक मास ही स्पेस टाइम को कहता है कि उसे किस तरह से मुड़ना है, और फिर स्पेस टाइम का आर्क भी मास से कहता है कि उसे किस तरह बढ़ना है। आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कि जब मास वाली चीजें आगे बढ़ती हैं, तब वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में छोटी छोटी ग्रेविटेशनल रिपल्स बनाती हैं, फिर वो ग्रेविटेशनल तरंगे हमारे ब्रह्मांड को भर देती हैं। नर्जिस मानती हैं कि अगर वो तरंगे काफी बड़ी हों, तो हम उन्हें देख सकते हैं। अगर मैं किसी तालाब के बीच में एक सेब गिराती हूँ तो उससे बनने वाली लहरें मुझे किनारे पर नहीं दिखेंगी क्योंकि वो किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगी। फिक्र मत कीजिए नर्जिस, ब्रह्मांड में तो सेब से कहीं ज्यादा बड़ी चीजें होती हैं जो वहां तूफान ला सकती हैं। ब्रह्मांड की उन ग्रेविटेशनल घटनाओं जैसे कि तारा मंडलों का टकराना या बड़े तारों में होने वाला विस्फोट, इन सब से तो विशाल ग्रेविटेशनल तरंगे पृथ्वी की ओर आती हैं। नर्जिस ने उनका पता लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है
और इस काम में उनके साथ हैं माइक लैंड्री। नर्जिस और माइक नेशनल साइंस फाउंडेशन के आज तक के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। उसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लाइगो। इस विशाल मशीन में लेजर बीमों को एल के आकार में लगी दो वैक्यूम ट्यूबों में डाला जाता है। इसकी हर आर्म करीब 4 किलोमीटर लंबी है। लेजर बीम में एक एटम की चौड़ाई के 100 करोड़वें भाग जितनी बारीकी से हर आर्म की लंबाई माप सकते हैं। अगर ब्रह्मांड में किसी बड़ी घटना से पृथ्वी से 80 लाख करोड़ किलोमीटर दूर कोई ग्रेविटेशनल वेव बनती है तो इन ट्यूबों के अंदर के स्पेस में उसके रिपल बनेगी। लेजर उस बदलाव को देख लेगी और खतरे की घंटी बजने लगेगी। करीब 10 साल तक ब्रह्मांड से आने वाली आवाजें सुनने के बाद लाइगो ने झिंगुरों की आवाज रिकॉर्ड की। हमने लाइगो के शुरुआती दौर में कोई भी ग्रेविटेशनल वेव नहीं देखी। नर्जिस, माइक और लाइगो से जुड़े हजारों साइंटिस्टों के पास एक और मौका है। वो अब एडवांस्ड अपडेट पर काम कर रहे हैं जिससे लाइगो की सेंसिटिविटी करीब 10 गुना बढ़ जाएगी, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इन्हें सिग्नल मिल ही जाएगा। अगर हमें एडवांस्ड लाइगो से भी कोई ग्रेविटेशनल वेव नहीं मिली तो सबसे पहले मैं रोऊंगी, मगर मैं ये भी सोचती हूँ कि ये हर लिहाज से काफी रोमांचक है। अगर हमें ग्रेविटेशनल वेव नहीं दिखती तब ये एक अलग तरह की खोज शुरू करेगी और हमें तब ये सोचना पड़ सकता है कि कुदरत में आखिर ऐसा क्या है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। नर्जिस ने उम्मीद लगा रखी है। मार्च 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स के एक नए समूह ने दावा किया कि उन्होंने बिग बैंग से पैदा हुई ग्रेविटेशनल तरंगे ढूंढ ली, मगर कुछ साइंटिस्टों ने इस बात पर चुप्पी साधी रखी है कि लाइगो इस बात का सबूत हो सकता है कि ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। जब सेब पृथ्वी पर गिरा तो शायद उसे किसी और चीज ने तो नहीं खींचा था। फिजिसिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज, एनर्जी की पल्स भी जिसे हम फोर्स कहते हैं, पार्टिकल से बनी है। ग्रेविटी भी वैसे ही। ज्वी बर्न एक पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं और इनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। ये इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि अगर बालों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितना बड़ा कर दिया जाए और इसे क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से खेला जाए तो मिनी गोल्फ का गेम कैसा हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसी ऐसी अनोखी चीजें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हर पार्टिकल के एक पॉइंट पर होने की बात भी क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ी ही धुंधली सी सोच बन जाती है। सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसी चीज है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जब उन्हें कोई नहीं देखता तब वो धुंधली बन जाती है। वो कई बार तो अचानक ही बाहर निकल आती है लेकिन फिर अचानक ही गायब हो जाती है। ये अचानक दिखने और गायब होने वाले कुछ पार्टिकल्स ही कुदरत की फंडामेंटल फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मजबूत फोर्स, कमजोर फोर्स और साथ ही साथ ग्रेविटी भी। मेरे पास एक गोल्फ बॉल है। ये गोल्फ बॉल असल में एक फोटोन जैसी, ये फोटोन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हर उस चीज को खींचती या धकेलती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये जो गोल्फ बॉल है ये रिप्रेजेंट कर रही है W और Z बोसोन। W और Z कमजोर न्यूक्लियर इंट्रैक्शन के कैरियर होते हैं। कमजोर फोर्स से किसी रेडियो एक्टिव एटम का न्यूक्लियस टूट जाता है। और ये गोल्फ बॉल है ग्लूऑन। ग्लूऑन एक मजबूत न्यूक्लियर इंट्रैक्शन का कैरियर होता है। मजबूत फोर्स से पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ते हैं जिससे एक एटॉमिक न्यूक्लियस बनता है। ग्रेविटी भी एक पार्टिकल के सहारे ही चलती है, पर आज तक किसी ने भी इस ग्रेविटेशन को नहीं देखा है। सच तो ये है कि जब फिजिसिस्ट ये हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि थियोरेटिकल ग्रेविटेशन कैसे काम करता है तब अक्सर वो मैथ की एक भूल भुलैया में भटक जाते हैं।
ग्रेविटी जिस तरह से काम करती है असल में वो एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। होता ये है कि जब हम इसका हिसाब लगाना शुरू करते हैं तो जल्द ही हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि दुनिया का कोई कंप्यूटर या शायद दुनिया भर के कंप्यूटर मिलकर भी वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मगर ज़्वी ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि ग्रेविटेशन सचमुच है या नहीं। क्वांटम थ्योरी भी मेरी गोल्फ की तरह प्रोबेबिलिटी का ही एक गेम है। इसमें भी होल इन वन मारना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बॉल कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर होल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो काफी आसानी हो सकती है। अपने कुछ साथियों के साथ हमने एक नई सोच विकसित की है जिसे हम यूनिटरेटिव मेथड कहते हैं। हमारा ये मानना है कि हम इन इंट्रैक्शन इन कॉम्प्लिकेशंस की बड़ी प्रॉब्लम को लें और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, फिर हम इन छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करके उन्हें साथ में ला दें तो हमें शायद उस बड़ी प्रॉब्लम को एक बार में सोल्व करने से ज्यादा आसानी होगी। जब ज़्वी और उनके साथियों ने यूनिटैरिटी मेथड का इस्तेमाल किया तो इन्हें बड़े चौंकाने वाले नतीजे मिले। हमने ग्रेविटोन के बारे में देखा कि हम बड़े सटीक तरीके से उसे ग्लुओंस की दो कॉपी कह सकते हैं। यही एटम्स की न्यूक्लियाई को मजबूत फोर्स की मदद से जोड़े रखता है। मगर ज़्वी और उनके साथी मानते हैं कि ग्लुओन ही ग्रेविटी की भी वजह हो सकती है। उनके मुताबिक ग्रेविटॉन असल में ग्लुओन की एक जोड़ी हो सकता है। सब कुछ हमारी समझ में आने लगा था, हमें वो साफ दिख रहा था। हमारे लिए वो यूरेका मोमेंट था, हम उसे अच्छी तरह समझ चुके थे और हम जो कुछ देख रहे थे वो हमारे लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी। हमें शुरू से ही लग रहा था कि ऐसी कोई बात सच हो सकती है, मगर वो जिस तरह से काम कर रही थी वो हमारे लिए ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। ज्यादातर फिजिसिस्ट यही मानते हैं कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो किसी चीज को अपनी तरफ खींचती भर है। मगर कॉस्मोलॉजिस्ट ने हाल ही में पता लगाया है कि तारा मंडल असल में एक दूसरे को धकेल रहे हैं, वो भी लगातार बढ़ती दर से। शायद अब वो वक्त आ गया है जब हमें ग्रेविटी के बारे में फिर से सोचना होगा। ड्रैगन हाजडुकोविक जिनीवा स्विट्जरलैंड में लगे यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न से जुड़े एक फिजिसिस्ट हैं। मगर वो अपना बेहतरीन काम अपने वतन मोंटेनेग्रो लौटने पर ही कर पाते हैं। घर लौटने पर ड्रैगन अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं और उनके साथ ग्रेविटी की एक नई थ्योरी पर काम करते हैं, मगर उससे हमारे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज जुड़ी है, एंटी मैटर। मेरे पास एक लाल सेब है जो मैटर से बना है और एक नीला सेब है जो एंटी मैटर का बना है। गनीमत है कि ये असली नहीं है, लेकिन अगर ये असली एंटी मैटर होता तो आप खुद ही देखिए कि क्या हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पृथ्वी पर इतना एंटी मैटर नहीं है कि उसमें ऐसा विस्फोट हो सके। मगर ड्रैगन मानते हैं कि अगर सचमुच एंटी मैटर सेब जैसी कोई चीज होती तो उसमें गजब की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी होती। बहुत हद तक संभव है कि वो एंटी मैटर ऊपर की तरफ जाए। ड्रैगन का कहना है कि एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और हो सकता है एंटी मैटर के वो छिपे हुए क्षेत्र ही ब्रह्मांड को दूर धकेल रहे हों। फिजिसिस्ट हमारे ब्रह्मांड के हर कोने को भरने वाली जगह को क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, मगर उसके नाम से धोखा मत खाइएगा क्योंकि उसके अंदर काफी माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती रहती है। उस क्वांटम वैक्यूम के हर कोने में हर पल एंटी मैटर और मैटर के सुरक्षित जोड़े बनते हैं और खत्म होते रहते हैं। वो एक पल के लिए पैदा होते हैं और फिर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस तरह के हजारों 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 करोड़ जोड़े हैं जो क्वांटम वैक्यूम के मेटा क्यूब्स में बनते हैं और खत्म होते रहते हैं। इसलिए ग्रेविटी की थ्योरी में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका है। हम क्वांटम वैक्यूम को मोंटेनेग्रो के एक शहर जैसा मान सकते हैं जहां मैटर का हर पार्टिकल इनकी तरह अपने जोड़े के साथ ही डांस करता है।
जब किसी नन्हे डांसर को नया रास्ता मिलता है, तब मैटर की ग्रेविटी को एंटी मैटर की एंटी ग्रेविटी खत्म कर देती है। ऐसे में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के चाहे जितने भी जोड़े क्यों ना बन जाएं, उनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट शून्य ही होगा। मगर क्वांटम वैक्यूम हमेशा वैक्यूम में नहीं रहता है। ब्रह्मांड वैसे भी मैटर की विशाल टापुओं से भरा पड़ा है, जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं। अगर हम मैटर को उनके अंदर डालते हैं तो वो उसकी सिमेट्री को खींच लेता है और ग्रेविटी पर असर पड़ता है। मोंटेनेग्रो का फोक डांस खत्म होने पर मेल डांसर बीच में चले जाते हैं और वो एक बड़ा सा पिरामिड बनाते हैं। तब फीमेल डांसर्स को बाहर जाना पड़ता है। ड्रेगन की थ्योरी भी यही कहती है कि क्वांटम वैक्यूम में मैटर और एंटी मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को यही काम करना पड़ता है। आकाश गंगा भी मैटर की ही बनी होती है। वो मैटर को क्वांटम वैक्यूम के अंदर खींच लेती है और उसके एंटी मैटर को बाहर धकेल देती है। इसलिए आकाश गंगा के बीच की जगह में थोड़ा कम मैटर होता है और थोड़ा ज्यादा एंटी मैटर होता है। इस वजह से वहां क्वांटम वैक्यूम ग्रेविटेशनली रिपल्सिव बन जाता है और वो आकाश गंगा को दूर कर देता है। फिजिसिस्ट भी गैलेक्टिक खेल को देख रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो एनर्जी कहां से आ रही है, इसलिए वो उसे डार्क एनर्जी कहते हैं। मगर ड्रैगन मानते हैं कि डार्क एनर्जी ही ग्रेविटी की छिपी हुई डांस पार्टनर है। मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस डार्क एनर्जी की मौजूदगी को मान रहे हैं और कहते हैं कि वो डार्क एनर्जी ही है। ये एक बीच का समाधान है, हम उसे डार्क एनर्जी भी कह सकते हैं और मैटर और एंटी मैटर के बीच का ग्रेविटेशनल रिपल्सन भी। ड्रैगन की ये थ्योरी बड़ी ही कंट्रोवर्शियल रही, मगर शायद हमें जल्द ही पता लग जाएगा कि ग्रेविटी की एक रिपल्सिव बहन भी है। इधर सर्न में ड्रैगन के सहयोगी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से एंटी हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो शायद डार्क एनर्जी भी हमारी समझ में आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि हम ग्रेविटी को समझने की कोशिश में एक और गलती कर बैठे। मुझे तो लगता है कि हम उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाए। अगर ब्रह्मांड की किसी घटना को फिजिक्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कभी कामयाब नहीं होंगे। एक जमाने में हम यही मानते थे कि पृथ्वी सपाट है, मगर समंदर में जाने वाले नाविकों ने बताया कि ये हमारा भ्रम है। हमें होराइजन सपाट लगता है क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर हम आसमान की ऊंचाइयों से उसे देखें तो हमें पता लगता है कि पृथ्वी किस तरह गोल है। इसी तरह अगर ग्रेविटी भी एक भ्रम है तो क्या हमें उसके बारे में कोई नया नजरिया मिल पाएगा और हम जान पाएंगे कि वो क्या है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हर्मन वरलिंडे भी इसी तलाश में हैं। कई एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो चुका है कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी कि ग्रेविटी असल में स्पेस और टाइम में आया एक डिस्टॉर्शन है, ये बात भी सही लगती है। मगर उसके जैसे ही एक और दमदार थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी से ये पता नहीं लगता कि ग्रेविटी किस चीज की बनी है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर हम स्पेस में कहीं जाएं तो हम उसे देख भी नहीं सकते क्योंकि स्पेस तो खाली है, वो किसी चीज से नहीं बना। मगर क्वांटम थ्योरी कहती है कि स्पेस भी कणों से बना है, इसी रेत की तरह। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि जिन पार्टिकल्स के जरिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है वो उस खाली स्पेस की समतल सतह पर वैसे ही तैरते रहते हैं जैसे समंदर की सतह पर एक बॉल। मगर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि स्पेस तो समतल है ही नहीं, वो छोटे छोटे ग्रेन से बना है जिससे वहां कहीं भी आना जाना विचकोलों से भरा होता है। करीब एक सदी से फिजिसिस्ट के बीच इस बात पर गहरा मतभेद है, मगर हर्मन ये मानने लगे हैं कि शायद दोनों ही थ्योरी सही हैं, क्योंकि हो सकता है कि सच ही हमें भरमा रहा हो।
आइंस्टाइन ने जब कहा कि सच्चाई का वजूद होना चाहिए, तब वो बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उसे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहा था, मगर फिजिक्स मानती है कि दुनिया शायद वैसी नहीं है जैसी हमें नजर आती है। जो चीजें लाइट की स्पीड से कहीं आती जाती हैं, जैसे कि फोटोन या ग्रेविटॉन, वो भी उस रियलिटी का ही अलग वर्जन है। जब बॉल की स्पीड लाइट की स्पीड पर पहुंचती है, तब एक बड़ी अनोखी बात होती है। बाकी की दुनिया छोटी नजर आने लगती है। बॉल की स्पीड जितनी बढ़ती जाती है, बाकी की दुनिया भी उतनी ही छोटी होती जाती है और आखिर में सपाट हो जाती है एक मैदान की तरह। अगर हम ग्रेविटॉन होते तो यही मानते कि हम तो हमेशा स्थिर ही रहते हैं, मगर वो पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने एक फ्लैट शीट जैसा है। हम अपनी असल जिंदगी में भी कुछ पार्टिकल को लीनियर पाथ पर घूमते हुए देखते हैं, मगर एक पार्टिकल के नजरिए से तो घूमने जैसी कोई बात ही नहीं होती। 1960 के दशक की आखिरी दिनों में मैथमेटिशियन रॉजर पेनरोज ने दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड से चलने वाले फोटोन और थियोरेटिकल ग्रेविटॉन जैसे एक अल्टरनेट रियलिटी को महसूस करते हैं, जैसे उन्होंने कहा, जिसमें पॉइंट लाइन बन जाते हैं और लाइनें बन जाती हैं पॉइंट। उस ट्विस्टर स्पेस में ग्रेविटॉन जिस रास्ते पर चलता है वो पॉइंट बन जाता है, और ये स्पेस और टाइम के लिए बिल्कुल नए कोऑर्डिनेटर है। 50 साल पहले हिडन रियलिटी की बात बड़ी बेमानी सी लगती थी, मगर हाल ही में फिजिक्स की एक नई सोच में कहा गया है कि पेनरोज का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो अपने वक्त के आगे थे, और इस थ्योरी को फिजिसिस्ट कहते हैं होलोग्राफिक प्रिंसिपल। होलोग्राफिक प्रिंसिपल ये मानता है कि हम अंतरिक्ष में जो कुछ भी देखते हैं वो असल में किसी और रियलिटी का एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर नजर आने वाला रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि असली रियलिटी जैसे इस कमरे की दीवारों में छिपी हो। हरमन ने इन दोनों विचारों को ट्विस्टर होलोग्राफी में जोड़ दिया है। ये रियलिटी को मोड़ने वाली है, जिसमें आइंस्टाइन की ग्रेविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स साथ में आसानी से मिल जाती है। आइंस्टाइन की थ्योरी मानती है कि ग्रेविटॉन बिल्कुल समतल स्पेस में चलते हैं, मगर ट्विस्टर होलोग्राफी में ग्रेविटॉन के चलने का रास्ता एक पॉइंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रेविटॉन पानी में या रेत पर चल रहा है, क्योंकि उस रियलिटी में तो ग्रेविटॉन बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर हरमन की बात सही है, तब तो ग्रेविटी एक ऑल्टर्ड रियलिटी में असली होगी, और हम जिसे रियलिटी मान रहे हैं वो शायद एक भ्रम हो जो किसी और चीज से बना हो। वो भी एक अच्छा टीवी शो देखने जैसा ही है, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगता कि पर्दे के पीछे रहने वाले कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया है। आप मुझे रियलिटी के बारे में बताइए, असली जिंदगी में और फिजिक्स में। फिजिक्स में कई बार रियलिटी ना तो अनोखी होती है और ना ही ऑब्जेक्टिव, और कई बार तो वो भ्रम भी पैदा करती है। आप मेरे सामने बैठे हैं इसलिए आप मेरे लिए असली हैं, मगर क्या पता कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। अगर ब्रह्मांड की ग्रेविटी सचमुच एक बहुत बड़ी मिराज है, तो वो किसी ना किसी चीज से तो जरूर बनी होगी। एक नई थ्योरी अब ये दावा कर रही है कि ग्रेविटी का एक दूसरा रूप प्योर हीट जैसा हो। प्राचीन यूनानी मानते थे कि आग ब्रह्मांड का एक मूल तत्व है, मगर थर्मोडायनामिक्स, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट बनते हैं, उसने यूनानियों को गलत साबित कर दिया। आग एक ऐसी घटना है जो गर्म एटम्स के जलने से पैदा होती है, मगर अब एक नई थ्योरी ने फिजिक्स की दुनिया में आग लगा दी है। वो कहती है कि आग की तरह ग्रेविटी भी एक थर्मोडायनामिक मिराज है।
हाल ही में साइंस कम्युनिटी ने एक बिल्कुल नई खोज की है और वो ग्रेविटेशनल फिजिक्स के बारे में बड़ी ही अनोखी राय रखती है। ये कमाल है इस शख्स का। नहीं, ये हरमन वरलिंडे नहीं है, ये तो उनके जुड़वा भाई हैं, एरिक। बचपन से ही मैं और हरमन उन विषयों पर बातें किया करते थे जो हमें दिलचस्प लगते थे। अगर हम कुछ पढ़ते तो उसके बारे में आपस में बातें करते, मगर हम दोनों को फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही लगाव था। एरिक और हरमन हॉलैंड में एक जैसी ही जिंदगी बिता रहे थे। दोनों ने यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में PhD की और दो सगी बहनों से इन्होंने शादी भी की। मगर एरिक की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब उनके घर एक घटना हुई। मैं छुट्टियों में बाहर गया हुआ था और एक दिन जॉगिंग के बाद घर लौटा तो देखता हूँ कि कोई मेरे घर में घुसा आया था। वो मेरी कार की चाबी, मेरा लैपटॉप, मेरा पासपोर्ट, साथ ही कई और भी चीजें ले गया था। फिजिसिस्ट किसी सिस्टम में होने वाली उथल पुथल को एंट्रोपी कहते हैं। ब्रह्मांड में वो एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है, मगर फिजिक्स में या आम जिंदगी में चीजें व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं। एंट्रोपी को व्यवस्थित बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जैसे एरिक को अपना घर व्यवस्थित करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। इस अचानक होने वाली घटना से निपटते हुए एरिक को जबरदस्त इंस्पिरेशन मिली थी। एंट्रोपी और ग्रेविटी के बीच एक बड़ा गहरा संबंध है। मान लीजिए कि आप एक न्यूट्रॉन स्टार की सतह पर कहीं जा रहे हैं। वहां की जबरदस्त ग्रेविटी आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले करीब 14 लाख करोड़ गुना बढ़ा देगी। उसकी वजह से आपके अंदर के एटम्स में अपने आप ही एंट्रोपी बढ़ जाएगी। जब कोई चीज किसी बहुत बड़ी चीज की ओर खींचती है तब उसे और ज्यादा ग्रेविटेशनल खिंचाव महसूस होता है और तब उसकी एंट्रोपी भी बहुत बढ़ जाती है। मैंने तो ग्रेविटी के मामले में यही देखा है कि जब ये सेव यहाँ होता है तब इसमें कम एंट्रोपी होती है, लेकिन जमीन पर जाते ही बढ़ जाती। कुदरत भी एंट्रोपी बढ़ाती है या उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि जब मैं इस सेव को गिराता हूँ ये ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी पैदा करने की कोशिश करेगा और इसी वजह से ये नीचे भी गिरता है। एरिक मानते हैं कि भार वाली हर चीज ग्रेविटी की फोर्स को महसूस करती है क्योंकि ब्रह्मांड लगातार उस अव्यवस्था को बढ़ाता रहता है या उसके अंदर की एंट्रोपी को। उस एंट्रोपी से जो फोर्स बनती है वो उन फिजिसिस्ट के लिए नई नहीं है जो थर्मोडायनामिक्स को समझते हैं। सच तो ये है कि एक हॉट एयर बलून में पैदा होने वाली एंट्रोपी ही हमें आसमान की ओर ले जाती है। एक हॉट एयर बलून में भी मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल हिलते रहते हैं, वो एंट्रोपी को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए वो बलून के अंदर ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब बलून फैलता है तब वो ऊपर की ओर जाता है। बलून के अंदर गर्म हवा बाहर और ऊपर की ओर बढ़ती है जिससे उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। उससे जो फोर्स बनती है वो बोयांसी होती है। बोयांसी कोई असली फोर्स नहीं है बल्कि वो हवा के मॉलिक्यूल से पैदा होने वाली एंट्रोपी है। एरिक मानते हैं कि ग्रेविटी भी इसी तरह से किसी और चीज की एंट्रोपी से पैदा होती है, शायद स्पेस और टाइम की फैब्रिक में पैदा होने वाली अव्यवस्था से। एरिक अभी ये नहीं जानते कि वो किस चीज से बनती है, मगर वो ये जरूर मानते हैं कि ग्रेविटी ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल फोर्स तो नहीं हो सकती। हाँ, उनके पास एक सुराग है। फिजिसिस्ट ने ये पता लगाया है कि आइटमों की लैटरल इंफॉर्मेशन यानी कि उसके शेप, पोजीशन, स्टेट और मूवमेंट के साथ एंट्रोपी का भी एक रिश्ता जरूर है। मैंने पहले भी कहा है कि स्पेस और टाइम में इंफॉर्मेशन जमा रहती है। हम उस इंफॉर्मेशन को शून्य और एक बिट्स के तौर पर देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन में भी एंट्रोपी हो सकती है, वो एक या शून्य में हो सकती है। शून्यों की एक लंबी लड़ी में अव्यवस्था बहुत कम होती है, लेकिन अब किसी लड़ी में बहुत से एक और शून्य हो अलग अलग पैटर्न में तब वो बड़ा ही अव्यवस्थित होती है। जब एरिक ने इस सोच को थर्मोडायनामिक्स के साथ जोड़ा तब समाधान के तौर पर उन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी मिली। बेशक ग्रेविटी को एंट्रोपी में हुए बदलावों का नतीजा माना जा सकता है,
मगर इसके लिए हमें ग्रेविटी को बिल्कुल अलग तरह से लेना होगा। उसे एक फंडामेंटल फोर्स मानने के बजाय हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक चीज है जो पैदा होती है। हो सकता है कि अगर हम और ध्यान से विचार करें तो शायद हमें ग्रेविटी की हकीकत का भी पता चल जाए। पृथ्वी पर तो ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ ग्रेविटी बहुत कमजोर है, मगर ब्रह्मांड में ऐसी भी जगह है जहां ग्रेविटी का राज है एक ब्लैक होल के अंदर। वो वहां इंसिनरेट मैटर को ग्रेविटेशनल आग से पूरी तरह जला सकती है। हमें हमेशा वो नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, मगर कई बार उस अनोखे हालात से भी हमें कुछ नए नजरिए मिल जाते हैं। यही वजह है कि ग्रेविटी का सच जानने के लिए फिजिसिस्ट उसकी स्टडी एक ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां उनके मुताबिक वो बड़ी अनोखी हरकत करती है। फिजिसिस्ट शॉन कैरोल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ग्रेविटी आज की तारीख में फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्या है और वो उसका सामना सीधे सीधे कर रहे हैं। ये कहना कि ग्रेविटी बड़ा ही मुश्किल विषय है हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी। हम बिल्कुल नई खोज कर रहे हैं और ग्रेविटी को बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हैं। फिजिसिस्ट जानते हैं कि ग्रेविटी के बारे में नई राय बनाने के लिए कहां कोशिश की जा सकती है। वो जगह है एक ब्लैक होल। ब्रह्मांड के ये दानव एक तारे की मौत पर बनते हैं। तारे का सारा मास एक ही पॉइंट पर जमा हो जाता है और उस जगह पर ग्रेविटी अपने थियोरेटिकल मैक्सिमम पर होती है। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक नजर ना आने वाला खोल होता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी के पार लाइट भी नहीं जा सकती। कोई नहीं जानता कि उस सरहद के पार असल में क्या है। ब्रह्मांड के उस हिस्से में ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तगड़ा होता है कि उसके पार जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। कोई उसके अंदर जाकर खोज तो कर सकता है, लेकिन वहां से कभी बाहर नहीं आ सकता। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट शॉन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप एलिस जैसे एक एस्ट्रोनॉट हैं, बहादुर कॉस्मिक एक्सप्लोरर, और आप ब्लैक होल के अंदर जाने की भी हिम्मत रखते हैं। ग्रेविटी की हमारी आज की थ्योरी के अनुसार आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो हद यानी कि इवेंट होराइजन आ गई जहां से कभी लौटा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे अहम प्रिंसिपल भी हैं जिन्हें हमें मानना ही पड़ेगा। उनमें से एक है नो ड्रामा। उसके मुताबिक अगर आप इवेंट होराइजन से पार भी चले जाते हैं तो आपको ये तक पता नहीं लगेगा कि वो जगह ब्रह्मांड की दूसरी जगहों से अलग है। मतलब ब्लैक होल के करीब पहुंचने पर कोई ड्रामा नहीं होता। फिजिसिस्ट बड़े लंबे समय से मान रहे हैं कि इवेंट होराइजन के पार जाने के बाद कोई जियोमेट्रिक घटना नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल के अंदर पहुंचते ही वहां की लगातार बढ़ती ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आपको एक ह्यूमन स्पेगेटी बना देती है। मगर साइंटिस्ट अब ये भी मानने लगे हैं कि शायद लंबे समय से चले आ रही ये सोच गलत है। ग्रेविटी के नियम शायद इवेंट होराइजन पर टूट जाएं। उसके अंदर ग्रेविटी बिल्कुल ही अलग होती है या होती ही नहीं। फिजिसिस्ट ने इस कॉन्ट्राडिक्शंस का अंदाजा तब लगाया जब उन्होंने ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि एक ब्लैक होल के अंदर और उसके आसपास के पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, और उन्होंने इस प्रोसेस को एंटेंगलमेंट कहा है। एंटेंगलमेंट के मुताबिक मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है और हम ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अगर एंटेंगल्ड है तो हम एक को माप कर देख सकते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम ये देखकर फौरन समझ जाएंगे कि दूसरा भी उसी तरह घूम रहा है। फिजिक्स का एक और प्रिंसिपल कहता है कि पार्टिकल्स हमेशा एक ही साथी के साथ जुड़ते हैं और वो किसी भी कीमत पर हमेशा एक ही पार्टनर के साथ एंटेंगल होते हैं। मगर हम ब्लैक होल से जुड़े जिस फिजिक्स को मानते हैं उससे तो यही लगता है कि इवेंट होराइजन पर पार्टिकल्स को एक से ज्यादा एंटेंगल पार्टनर की जरूरत पड़ती है, मगर इस बात को कोई भी फिजिसिस्ट मानने को तैयार नहीं। इसे ही हम आर्महेरी मोरॉल फॉलचेंस की सेली पैराडॉक्स कहते हैं। सेंटा बारबरा के चार फिजिसिस्ट ने इसके बारे में बताया था। उन चार फिजिसिस्ट ने इस पैराडॉक्स के बारे में एक बड़ा ही अनोखा समर्थन दिया। अब वक्त आ गया था कि इवेंट होराइजन पर नो ड्रामा वाले प्रिंसिपल को भूल जाया जाए। सच तो ये है कि वहां बहुत कुछ होता है। अगर कोई किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंच जाता है तो उसे आग की एक दीवार भस्म कर देगी।
ब्लैक होल आग की एक दीवार से घिरे होते हैं और वो इतनी खतरनाक होती है कि वो उसके अंदर जाने वाले पार्टिकल को भस्म कर सकती है या वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को भी भस्म कर सकती है। शॉन और उनके साथी ये पता लगा रहे हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर किस तरह से आग का वो घेरा बनाती है। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी ध्यान में रखें तो ब्लैक होल से रेडिएशन निकलता है, ऐसे में अगर हम इवेंट होराइजन तक यानी ब्लैक होल की सरहद तक जाएं, तब वहां खाली जगह में भी हमें वर्चुअल पार्टिकल्स घूमते नजर आएंगे। उनमें से कुछ बाहर की तरफ भागते हैं तो कुछ ब्लैक होल के अंदर ही ले जाते हैं। फिजिसिस्ट मानते हैं कि अगर ब्लैक होल फायरवॉल सचमुच है तो वो हॉकिंग रेडिएशन से ही बनी होगी। हमें तो यही लगता है कि वो फायरवॉल असल में हॉकिंग रेडिएशन से ही बनी है और इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्लैक होल के करीब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा वायलेंट और ड्रामेटिक भी होगी। अगर सचमुच वो एक फायरवॉल है तो इसका मतलब है कि वहाँ एक सरहद है, एक छोर है। हम अभी ये नहीं जानते कि वहाँ पर जाने पर क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो कुछ भी है वो स्पेस और टाइम हो ही नहीं। वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स तो हो पर वो ग्रेविटी और स्पेस टाइम ना हो जिसकी बात आइंस्टाइन ने की थी। इस ब्लैक होल फायरवॉल के पार जाने के बाद शायद ग्रेविटी एक बिल्कुल नया रूप ले लेगी। अगर हम ये जान लें कि उसका वो रूप कैसा है, तब शायद हमें ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर ग्रेविटी का असली स्वभाव भी पता लग जाएगा। हम अब ब्लैक होल के उस इवेंट होराइजन को भी देखने की सोचने लगे हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया। इस एस्ट्रोनॉमर का कहना है कि ये ऐसी कोशिश कर सकते हैं, ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी बनाने जा रहे हैं। 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी जगह है जहां हम ग्रेविटी का असली स्वभाव जान सकते हैं। वो जगह है हमारी आकाश गंगा के बीचों बीच बना एक बड़ा ही विशाल ब्लैक होल। एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि अंतरिक्ष में बना वो ब्लैक होल सूरज से ज्यादा बड़ा नहीं है। इतनी दूर मौजूद एक इतनी बड़ी चीज को देखने के लिए हमें पृथ्वी जितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए, तो फिर हम बनाते क्यों नहीं? एस्ट्रोनॉमर शेप ड्योलमैन का करियर तब शुरू हुआ जब वो एक रोमांचक शुरुआत की ओर पहुंचे। मुझे रेडियो एस्ट्रोनॉमी की जो बात सबसे अच्छी लगी है वो ये है कि इसमें हम दुनिया की सैर कर सकते हैं। मुझे लगा कि हाँ, ये काम मेरे लिए है, मुझे तो इसी फील्ड में कुछ करना है। फिर जब मैं इस मैदान में उतरा तब उसके बाद काफी काम किया गया। शर्प अपना ज्यादातर काम अपने ऑफिस के बाद कमरे में ही करते हैं और वहां अक्सर वो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और खुद को एक ब्लैक होल देखने वाला पहला एस्ट्रोनॉमर मानने लगे हैं। इस फील्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है कि एस्ट्रोनॉमर सिर्फ उन चीजों को ही देख सकते हैं जिनसे लाइट निकल रही है। जब हम अपने आप से ये पूछते हैं कि ब्लैक होल कैसा होगा, तब सबसे पहले मन में यही आता है कि हमें आखिर ब्लैक होल दिखती ही क्यों है, उन्हें तो दिखना ही नहीं चाहिए। जब लाइट एक ब्लैक होल के अंदर जाती है तब वो वहां से कभी बाहर नहीं आ पाती, लेकिन एक ब्लैक होल के आसपास की सारी लाइट ही उसके अंदर नहीं जाती। थोड़ी लाइट इवेंट होराइजन की ओर भी मुड़ जाती है जिससे ब्लैक होल की एक शैडो इमेज बनती है। उस इमेज से ये पता लगता है कि इवेंट होराइजन पर ग्रेविटी का व्यवहार कैसा होता है, लेकिन जब तक वो लाइट हमारे पास तक पहुंचती है तब तक वो सिग्नल इतना मध्यम पड़ जाता है कि उसे देखने के लिए शर्प को कई हजार किलोमीटर चौड़ा एक टेलीस्कोप चाहिए। इसलिए वो उसे बनाने जा रहे हैं। शर्प दुनिया की बड़ी अलग और अनोखी जगहों पर जाकर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2015 के वसंत में दुनिया के सारे हाई प्रेसिशन टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा के सेंटर की ओर फोकस होंगे। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में एक बड़ी ही अनोखी चीज है, एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल। वो इतना बड़ा है और हमारे इतने करीब है कि हमारे पास एक मौका है कि हम उसे देख सकें। इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए शर्प की टीम ने एक नायाब तरीका अपनाया है जिसके तहत वो अलग अलग टेलीस्कोप को मिलाकर एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाएंगे हमारी पृथ्वी जितना बड़ा। देखिए, मैं अभी पृथ्वी के सेंटर पर खड़ा हूँ जो असल में एक बॉल फील्ड है। हमारे चारों तरफ
नोजल से पानी निकल रहा है, जिसे हम एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल से निकलने वाली लाइट मान लेते हैं। एक टेलीस्कोप से हम उसके बहुत ही कम डेटा जमा कर पाए, इसलिए हम पूरे बॉल फील्ड के चारों ओर टेलीस्कोप लगाने वाले हैं, जो पानी के बहाव को देखेंगे और उन्हें अच्छी तरह से सैंपल करेंगे और उससे हमें उस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी तस्वीर बनाने लायक डेटा मिल जाएंगे। जब मैटर उस बहुत बड़े ब्लैक होल में गिरता है, तब उससे अंतरिक्ष में रेडिएशन फैलता है। शर्प अपनी शोर से निकलते ही उस लाइट के आकार को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी वैसा ही होगा जैसा इन नोजल से निकलने वाला पानी। वो जितनी दूर तक जाता है उसके फुहारे उतनी ही ज्यादा फैलते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बड़े इलाके में पानी जमा करने वाले ज्यादा कलेक्टर हों, तो उनमें जमा हुए पानी से हम नोजल के आकार को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पाइप के नोजल से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। एक टेलीस्कोप या एक कप से हम उस नोजल से निकलने वाली इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा ही रिकॉर्ड या जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे फील्ड में कई कप रखे हों, तब हम उस पूरे इंफॉर्मेशन फील्ड को सैंपल कर सकते हैं और तब हमें उस ऑब्जेक्ट की, इस मामले में नोजल की, पूरी जानकारी हमें मिल सकती है और हम उस पानी के छोटे से हिस्से से यह पता लगा सकते हैं कि जब पानी निकला था तब क्या हुआ होगा। शर्प के पृथ्वी जितने बड़े एक वर्चुअल टेलीस्कोप में इतना रेजोल्यूशन तो है कि उस ब्लैक होल के किनारे की ग्रेविटेशनल फिजिक्स का अंदाजा लगाया जा सके। ग्रेविटी एक थियरी है, पृथ्वी पर वो अच्छी तरह से काम करती है, मगर हमने अभी तक उसकी कड़ी परीक्षा नहीं ली है। हमने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि क्या ब्लैक होल के छोर पर भी ग्रेविटी का ऐसा ही दबदबा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी टूट सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इनको भी टेस्ट करें। इसी तरीके से हम रियलिटी के नेचर को समझ सकते हैं। इससे ही हम ये जान सकते हैं कि क्या ब्रह्मांड के बुनियादी आधार के बारे में हमारी सोच सही है। ग्रेविटी असली लगती है, ये हमें उस जगह पर टिकाए रखती है जिसे हम अपना घर कहते हैं, मगर शायद ग्रेविटी वो नहीं है जो नजर आती है। अगर ग्रेविटी सचमुच एक भ्रम है, तो अब वक्त आ चुका है कि हम उन बातों पर सवाल खड़े करें जो हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। जब हम उन बातों को भूल जाएंगे जिन्हें हम सही मान रहे हैं, तभी हम सच्चाई का असली स्वाद ले पाएंगे।